नमस्कार दोस्तों, मार्केट जो है लगातार गिर रहा है, तो गिरने की वजह क्या है और मंडे मार्केट खुलते ही आपको किस तरफ अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, यानी कि मार्केट कॉल की तरफ जाएगा या पुट की तरफ जाएगा, तो इस सारी डिटेल में बात यहां पे हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, चैनल पे पहली बार आया हो लाइक कमेंट और शेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नोट वीडियो लगातार आपको मिलते रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज भी देख लेंगे, लेकिन फैक्ट के साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो जेन्यून है और रियल में वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट गिरा है और इस गिरते मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड करना है या अपनी पोजीशन बनानी है, बारी बारी से हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट गिरने की कौन कौन सी वजह हो सकती है। तो सबसे पहले तो FIDIs जो है सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर जब भी मार्केट के ऊपर होता है तब मार्केट गिरता है। पूरा मार्केट जो है, मैंने बहुत सारी बार बताया आपको कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर काम करता है, तो जब भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर होता है तब बाजार जो है वो गिरता है। तो अभी FIDIs जो है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट गिर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, आप सबको पता है, उसके कारण जो है क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आ रहा है, तो लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। अभी हमारा रुपीस जो वो कमजोर पड़ रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ गई क्योंकि अभी ट्रंप चुनाव जीत गए, तो डॉलर की प्राइस तेजी से बढ़ी है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की ज्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हमारा वो कंट्रोल करने के लिए RBI जो है अभी कोई खास ठोस कदम जो है वो नहीं उठा रहा है। फेड ने जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लेकिन RBI जो है अभी कम नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट के गिरने को लेकर के। तो अभी मार्केट को गिरने के लेकर के तीन बड़े रीजन दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो है FIDIs का बहुत बड़ी तादाद में सेलिंग करना, क्योंकि वहां से पैसा निकाल करके वो बाहर के मार्केट में डाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का कम यहाँ पे ना होना। दूसरा, ट्रंप यहाँ पे जीत चुके हैं, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है, तो वहां पे भी यहां से निकल करके पैसा जा रहा है। तो अब हम क्या करें? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। आप अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब भी गिरते हैं तो उसको एवरेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रखा है तो आपको क्या करना है, अपने स्टॉक लॉस को मेंटेन करके रखना है, और मंडे मार्केट में क्या सारी चीजें होने वाली हैं वो सीधे ही मैं लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और बारी बारी से दिखाता हूं क्या स्टॉप लॉस के टारगेट है, कहां पे आपको अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए, कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट फ्रेम आपके सामने ओपन है, वन डे का चार्ट फ्रेम है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट काफ़ी दिनों से हो रही है, और यहाँ पे 23,530 के आसपास बाजार की क्लोजिंग हुई, और 23,500 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे मार्केट संभल जाता है तो मार्केट में रिवर्स होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर यहाँ से फॉल करेगा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है 22,870 के आसपास दिखाई दे रहा है। इस सारे लेवल्स को आप अपने मोबाइल में मार्क कर लीजिएगा, और इस तरह से आपको मार्क करके रखना होगा। देखो, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी तभी आप परफेक्ट पैसा यहाँ से कमा सकते हो। यहाँ पे टेक्निकली चीज़ें होती है, टेक्निकली चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर ये 23,500 का सपोर्ट बना रहता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है तो आपको 24,550 के आसपास जो है रेजिस्टेंस का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट जब ले बाजार, उसके बाद यहाँ से वापस से कुछ हाल आपको देखने को मिल सकता है। अब इसको हम जो है मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, और आपको मंडे के दिन क्या हो सकता है उसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम इसको जो है 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इम्पोर्टेड सपोर्ट लेवल जो हमने बनाया है, कंसोलिडेशन मार्केट की वहीं पे हो रही है, तो यहाँ से एक रिवर्स हमें देखने को मिला है जो कि 23,560 के आसपास क्लोजिंग बाजार की हुई है। तब क्या हो सकता है, इम्पोर्टेड सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करें। तो एक लेवल्स में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैं यहाँ पे खींच लूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो है 23,600 का। तो 23,600 का जो इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर बाजार कल ओपन होता है और अगर यहाँ पे जो 23,560 का जो इसका ये क्लोजिंग एरिया है उसके ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है तो आपको जो है 23,600 तक बाजार जाता हो देखेगा। लेकिन इस छोटे आपके अंदर आपको काम नहीं करना है, जब बाजार इसको यहाँ पे तोड़ दे और तोड़ने के बाद यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन करके इसको सपोर्ट बना ले, तब आपको कॉल की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट होगा आपके लिए, और आपको एक जो है अच्छा खासा कॉल की तरफ मूव देकर जा सकता है जो कि 23,760 तक भी पहुंच सकता है। तो इस लेवल को आप मार्क करके रख लीजिएगा, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, बाजार में गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको 23,480 के नीचे बाजार की जब क्लोजिंग होती है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे जो ये 23,480 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाता है बाजार, उसके बाद जो है नीचे आपको ट्रेड
प्लान करना है अपना, और बाकी अगर इसको तोड़ता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमने अभी आपको वन डे के चार्ट फ्रेम में जो सपोर्ट बनाया था उसके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ हमारा है 22,870 का। तो यहाँ तक बाजार में गिरावट फिर हो सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट फ्रेम ओपन है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेड सपोर्ट लेवल हमने बना रखा है 50,180 के आसपास जो है बाजार की क्लोजिंग है, और ये इम्पोर्टेड सपोर्ट है 50,000 का। अगर इसको तोड़ता है बाजार तो एक हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 46,000 तक बाजार नहीं गया, बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मंडे के दिन यहाँ पे बाजार रुक जाता है तो वापस से रिकवरी होना स्टार्ट होगा। कंसोलिडेशन का यही एरिया है 50,160 से लेकर के 52,430 तक। तो आपको ये 52,430 का एक इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके 12,000 ऊपर की ओर निकल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा एरिया जो ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर वापस से आपको यहाँ पे सपोर्ट लेने का इंतजार करना है और वापस से 12,000 ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसको 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में हम कन्वर्ट करके देखते हैं, ताकि आपको इम्पोर्टेड मंडे के दिन के जो लेवल्स हैं वो आपको दिखाई दे। देखो हमने जो सपोर्ट लेवल बनाए वहीं पर बाजार जो है कंसोलिडेशन भी कर रहा है, तो अभी यहाँ पे ऊपर की ओर जाता हुआ बाजार दिख रहा है। लेकिन अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है बाजार की, तो आपको क्या करना है, आपको 50,400 के लेवल को पार होने देना है। जब इसके ऊपर बाजार की क्लोजिंग यहाँ पे आए तब आपको वापस से कॉल की तरफ मूवमेंट लेनी है, और आपको खासकर ध्यान रखना अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम भी साथ में बढ़ने चाहिए। अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ बाजार जो है बढ़ रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करके बैठना है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसमें हम लाइव अपडेट सारी बाजार की देते थे। जब भी ट्रेड होना होता है तो मैं वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप क्या करना है, जब तक 50,400 के लेवल को बाजार पार नहीं करता तब तक आपको जो है कॉल की तरफ ट्रेड करना है, टालना है, और उसको जब पार कर देता है तब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके आपको दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंट लेवल आपको कहाँ तक मिल सकता है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 50,560 के आसपास, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, जिसके चांसेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 50,100 के नीचे जब यहाँ पे क्लोजिंग बाजार की आती है तब आपको जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है अपना, और 50,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने देना है बाजार को। जब इसको ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये सारे लाइन्स जो है आपको अपने मोबाइल में बनानी है, और जब आप इसको बनाओगे तभी आप यहाँ पे ट्रेड परफेक्टली प्लान कर पाओगे। 50,000 का जो इम्पोर्टेड लेवल है इसको ब्रेक कर देना है, करने देना है बाजार को। यानी कि अगर यहाँ से बाजार नीचे की ओर आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जब इसको इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस बनाता है तब आपको यहाँ से पुट की तरफ अपना ट्रेड जो है उसको प्लान करना है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, और इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमें कौन कौन सी पोजीशंस का ध्यान रखना है, कौन कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, जिसके चलते आप मार्केट में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ऐसे ही नॉलेज वीडियो लगातार आपको देखने हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर रखिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको डिटेल में वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मातरम जय।